अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि हमारे जो कलोनी होती है बर्ड्स की, उसमें लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, उसमें फाइट्स हो जाती हैं, बहुत से बर्ड आपस में झगड़ते रहते हैं, तो हम इससे किस तरह बचा जाए, आज हम इस बात को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर रोबोट से जो हमने कलोनी के जिस बनाए होते हैं, तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो केजेस में तो इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी उसके मुकाबले कलोनी में होती है। कलोनी में बर्ड्स में लड़ाई होती है, उससे बहुत से जो बर्ड्स होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और इससे हमारा जो बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान क्यों होते हैं, वो ये लड़ाइयाँ होती क्यों हैं? तो दोस्तों, जो उनके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं वो इस वजह से होती हैं, क्योंकि हमने जो अपने बजिस के जो केजेस होते हैं उनमें से हमने जो मटकियाँ होती हैं, मटकियाँ हमने बहुत कम लगाई होती हैं। यार, आप थक जाते हो उनको मटकियाँ दें, कि जो लड़ाइयाँ होती हैं मटकियों की वजह से, आप उनको मटकियाँ दें, और अगर जितने आपके पास नारें मेल में आपकी कलोनी में उससे उतनी आप उसमें जाकर फीमेल रखें। अगर एक नार को फीमेल पसंद है या दूसरी फीमेल के साथ पेयर बना लेगा, जो पेयरिंग की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आप इसको अपनी जो बजीज हैं उनको पहले दें, आप उनको फीमेल लाकर उनके साथ जो पहले आप छोटे केज में रखें, जब वो उनकी जो पेयर होगा वो सेट हो जाएगा, फिर आप उनको उठाएँ जो ब्रीडिंग के काबू हो जाए, 3 मंथ के लिए वो होते हैं, जब 3 मंथ के हो जाएँ तो आपने उनको उठाकर कलोनी में रख लेना है, अब उनका पेयर बन जाए तो उसके बाद आपने उनकी मटकियाँ भी देनी है। मटकियाँ आप कितने पेयर हैं उससे आप 5-6 मटकियाँ ज़्यादा लगा लें, तो उससे लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।